आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जिले की ब्योहारी पुलिस ने अंधे हत्या गुत्थी सुलझाते हुए प्रेमी को गिरफ्तार किया है, जो अपने प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए सुनियोजित ढंग से गला रेत कर हत्या कर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो अब सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। ब्योहारी थाना क्षेत्र के खड्डा निवासी माया पटेल का पति 6 महीने पहले मुंबई कमाने खाने चला गया। इस दौरान माया के मायके के पास रहने वाले सोनू उर्फ नरेंद्र पटेल से प्रेम प्रसंग हो गया और वो प्रेम प्रसंग जल्द ही नाजायज संबंध में तब्दील हो गया, जिसके बाद दोनों में बिना रोक टोक की नजदीकियां बढ़ने लगी, जिससे माया सबको छोड़कर सोनू के साथ रहने का मन बना लिया और उसके ऊपर साथ रहने का दबाव बनाने लगी, जो सोनू को नागवारा गुजरा। और 20 अप्रैल को माया ने सोनू के घर आकर रहने की जिद करने लगी, जिस पर सोनू ने उसे तैयार होकर आने को कहा और बाइक में बैठाकर घर ले जाने की बात कहकर रेलवे पुल झरौसी के पास ले जाकर माया के गले में बके से हमला कर हत्या कर दी और उसे वहीं नाले के पास छोड़कर भाग गया, जिस पर मर्ग कायम कर पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। तो पता लगा कि सोनू माया से पीछा छुड़ाने के लिए उसे इतनी दर्दनाक मौत दी है। पुलिस ने सोनू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे ग्राम थाना मानपुर जिला उमरिया गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। सर, व्यवहारी थाना में एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ, जिसमें कुछ प्रेम संबंध को लेकर एक हत्या का मामला क्या? थाना व्यवहारी क्षेत्र में ग्राम झरौसी रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे एक महिला की लाश, अज्ञात महिला की लाश मिली थी। बाद में जब गांव वालों से उसकी शिनाख्त हुई तो वो ग्राम खड्डा की महिला माया पटेल, पति राजकुमार पटेल के रूप में शिनाख्त हुई और उसको गले में धारदार हथियार से चोट पहुंचा के और उसकी हत्या की गई थी। हत्या के संबंध में टीआई व्यवहारी और एसडीओपी व्यवहारी द्वारा एक टीम के साथ बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया गया और कड़ियों को, विवेचनाओं को तकनीकी रूप से जोड़ते हुए संदेही सोनू पटेल, जिसके महिला के साथ संबंध थे, उसको हिरासत में लिया गया। महिला का मोबाइल और महिला के जो चांदी के गहने, बैग, वो सब बरामद हो चुके हैं और आरोपी को गिरफ्तार करके और आज अभी न्यायालय पेश किया। जिस महिला के साथ संबंध, उसको रास्ते से हटाने के लिए उसने इस तरह से, महिला स्थायी रूप से सोनू पटेल के साथ रहने के लिए दबाव डाल रही थी, जिसके कारण सोनू ने उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी।